सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस अदर ब्लॉग वीडियो। मेरे रिसेंट वाले ब्लॉग में बहुत सारे कमेंट्स आए कि टर्टल के लिए बासिक एरिया बनाओ। देखो मुझे पता है कि टर्टल बासिक एरिया में रहना काफ़ी पसंद करता है, बट मेरे पास कोई उसके लिए सेपरेट टैंक नहीं, इसलिए मैंने अपने गोल्ड फिशेस के टैंक में डाल रखा है। वहाँ पर वो आराम से रहता है और मैं उसे डेली बेसिस पर 3-4 घंटे के लिए बाहर निकाल भी देता हूँ धूप में। बट मैंने सोचा क्यों उसके लिए छत पर एक पॉन्ड बना दिया जाए अलग सा छोटा सा, क्योंकि छत काफ़ी बड़ा है भाई और काफ़ी सारा स्पेस भी है। तो चलो शुरू करते हैं, आज बना ही देते हैं। तो गैस एक एरिया है मेरे टेरेस पे, ये भी है जहाँ पे बना सकता हूँ, काफ़ी अच्छा है, सही है भी है पॉन्ड के हिसाब से। लेकिन मैं यहाँ पे बनाना इसलिए नहीं चाहता कि भाई ऊपर से पूरा एकदम खुला हुआ है और भाई बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है, बारिश का सीज़न भी मतलब लगभग आ ही जाता है लग रहा है जल्दी। अभी कल ही बहुत तेज़ से बारिश हुई थी, तो क्या रहेगा ना कि मैं पॉन्ड में नीचे मिट्टी रखने वाला हूँ, मिट्टी बह भी सकती है, तो यहाँ पर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी दूसरा स्पेस आगे एक और भी है जहाँ पर सोच भी रहा हूँ कि मैं बना दूँ, जैसे कि एक ये हो सकता है भाई इस पॉन्ड के बगल में, मतलब इसके नीचे बना दूँ तो ऊपर से भाई छत भी मिलेगा ताकि कोई बर्ड भी उसको नहीं ले जा पाएगी। क्या पता भाई छोटा ट्रैक्टर से बर्ड भी उठा सकती है। तो इसके नीचे मैं बना दूँगा, पहले मैं क्या करूँगा ईंटों की बाउंड्री बनाऊँगा, बीच में एक टब रखूँगा रेड कलर का, मेरे पास टब भी छोटा सा, उसको रख दूँगा, उसमें पानी भर दूँगा ताकि अगर उससे पानी वगैरह रहेगा तो पानी भी रहेगा, बाकी अगल बगल मिट्टी डाल दूँगा ताकि वो मिट्टी में भी चला जाए। तो कुछ हमें ज़रूरी मटेरियल चाहिए उसको पहले इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट ये ईंटें, बाकी मिट्टी तो भाई अपने चारों तरफ बहुत जगह है, मेरा तो मिट्टी भाई यही मिल जाएगी। ये डब्बा देख रहे हो भरा एकदम भर के रखा है इसको मैंने, जब इसकी मिट्टी यूज़ हो जाएगी फिर सोचा मैं इसको भी एक ऐसा ही बना दूँगा इसी टाइप का पॉन्ड। बाकी अपने कपड़ी के बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, जब इनके फुल कलर आ जाएंगे तो मैं फिर से एक अपडेट दूंगा। और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरी चैनल। गाइस साफ सफाई हो चुकी है, मैं एकदम से चकाचौंध नहीं करूँगा भाई, टर्टल का ही रहना है, इंसान नहीं रहना है। सोच रहा हूँ भाई नीचे की तरफ पहले बोरा बिछाऊँ, उसके ऊपर से फिर मिट्टी डालूँ, क्योंकि भाई नीचे सीलन भी आ सकती है भाई, मैं नहीं चाहता छत रोए और घर वाले मुझे रुलाएं। चलते हैं अभी, फिर वर्क ऑन प्रोग्रेस अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो बस भाई 100 में से 10% ही हुआ है, अभी 90% वर्क बचा है, तो लेट्स गो। गैस ऐसा बाउंड्री बना दिया है, बस अभी मैं इसे मिट्टी डालूंगा, उसके बाद देखूंगा अगर इसकी हाइट मुझे थोड़ी सी कम लगेगा, ऐसा लगेगा टर्टल कूद जाएगा बाहर, तो भाई थोड़ा सा मिट्टी और डाल कर मिट्टी नहीं डालूंगा, उसके बाद फिर ईंटें की एक लेयर और बना दूंगा ऐसे। तो भाई अभी तो वर्क बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी करते हैं फिर। तो भाई लोग अभी ऐसा मिट्टी उट्टी डाल के सेटअप कर दिया मैंने, और बीच में इसको मैं टब रखूँगा, मतलब एक किनारे करके रख दूँगा और फिर मिट्टी को बराबर कर दूँगा। तो इसमें भाई रहेगा पानी अंदर, ताकि जब टर्टल को मन हो पानी में जाने को तो पानी में भी चला जाएगा। बाकी इधर ऊपर भाई धूप भी साफ पड़ता है इसमें, तो आराम से भाई उसको उसका बास्किंग एरिया भी बन जाएगा, आराम से खेल भी सकता है, मिट्टी भी रहेगा, मिट्टी के अंदर भी जा सकता है। और मैं सोचा इसमें भी बगल में पौधे भी ऐड कर दूँगा, और एक दो पॉट भी है मिट्टी के मेरे पास जो छोटे छोटे होते हैं, बस वही भी लगा दूँगा, उसके अंदर भी डाला जाए तो जा सकता है। तो जल्दी से शुरू करते हैं भाई, इसको बना के कम्प्लीट करते हैं। सो गाइस हमारा पॉन्ड बनके पूरा रेडी है, और अब बारी इसमें अपने टर्टल को डालने की। उससे पहले तो मैं पॉन्ड दिखा देता हूँ, मैंने भाई ऊपर से एक लेयरिंग और कर दी है फॉर सेफ्टी के लिए, ताकि कूद ना सके, भाई कूद भी सकता है टर्टल। और बीच में भाई टब रख दिया, इसमें थोड़ा सा सैंड डाला तो भाई गंदा हो गया पानी, वही कोई बात नहीं थोड़ी देर में ठीक भी हो जाएगा अभी। और वैसे भी जहाँ टर्टल रहता है पानी भाई गंदा कर देते हैं, तो फिल्टर भी लगा दोगे तो भी साफ़ नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पानी चेंज करते रहेंगे एक एक वीक पे। बाकी भाई इसमें सॉफ्ट मिट्टी यूज़ की, तो आराम से भाई वो डिग भी कर लेगा इसमें। और तुम लोग का टर्टल दिखा दो भाई, ये हमारा छोटा सा टर्टल, इसका नाम भाई टोटो है भाई, ये देखो निकलने की कोशिश कर रहा है भाई, है ना क्यूट सा। तो इसको भाई पहले हम लोग थोड़ा सा नहला देते हैं, उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस करते हैं इसके नए घर में, लेट्स गो। तो गाइस ये जा रहा अपना टोटो अपने न्यू होम में, इसको डायरेक्ट इसके स्विमिंग पूल में डालते हैं भाई, अभी ज़्यादा इन्जॉय कर रहा देखो, उसे देख तो निकल पाता है कि नहीं भाई, मेन चीज़ ये देखना है निकल पाता है कि नहीं भाई, निकल गया। इसमें नीचे पत्थर भी लगा दिया ताकि आराम से निकल पाए, ये कोशिश कर रहा है, इसलिए न्यू है तो निकल जाएगा भाई साहब। मुझे लग रहा है एक और लेयर लगाना पड़ेगा, देखो पानी से तो निकला है भाई, इससे भी निकलने की कोशिश कर रहा है, देख रहे हो तुम लोग, एक और भाई ईंटे कैसे लेयर लगानी पड़ जाएगी मुझे।
इसमें मतलब एरिया काफ़ी मस्त दे रखा है, इसमें आराम से खेल सकता है। और ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो मैं सोच रहा हूँ इसको मैं रिवर में छोड़ आऊँगा भाई। इसका जो नेचुरल हैबिटेट है भाई, मुझे लग रहा है वहाँ पे ज़्यादा खुश होगा, बट अभी नहीं जाऊँगा, छोड़ने भी छोटा सा है भाई। इसकी यहीं पे केयर ज़रा ठीक हो रही है, वहाँ पे क्या पता भाई इसे कोई और पकड़ ले, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे मछली पकड़ने आते हैं गोमती रिवर में। सो गाइस, मैंने ऊपर से कॉल लेयरिंग कर दी ईंटे की, क्योंकि भाई कूद भी सकता था बाहर, बहुत तेज़ी से कूद रहा था, अब नहीं कूद पाएगा, एकदम बहुत ऊँचा कर दिया मैंने, अब आराम से रहेगा भाई। पानी को इसने और गंदा कर दिया, मिट्टी में खेल के अभी गया है वापस नहाने चला गया भाई। बात ले रहा है अपने, देख रहे हो इसका 5-स्टार लाइक लग्जरी रूम बना दिया मैंने इसका, इसका प्राइवेट पूल भी है यहाँ भाई, हम लोग बाथरूम में घिस घिस के नहाते हैं, इसके लिए मैंने प्राइवेट पूल बना के रखा है। बाकी मैंने एक मटका भी लगा दिया साइड में, इसका मन तो उसमें भी जा सकता, नहीं तो भाई मिट्टी खोद के वो अंदर भी जा सकता है। और भाई वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी लग रहा है भाई, इससे तो ज़्यादा हैप्पी लग रहा है उस जगह पे, आराम से स्विम कर रहा है। सो गाइस, हमारा टर्टल पॉन्ड रेडी हो चुका है, कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के देखने के लिए हम लोग का चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। बहुत सारे ऐसे होते हैं फिर ब्लॉग, जैसे पेट ब्लॉग भी आ सकते हैं, और मैं कभी ट्रैवल करने भी जाता हूँ भाई उसके भी ब्लॉग्स आएंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी, और मैं एक जितने भी नए सब्सक्राइबर्स चैनल से जुड़े हैं उनको बता दूं भाई, मेरा मेन चैनल एक और है, ये मेरा मेन चैनल है, मेरा सेकंड चैनल है, मेरा मेन चैनल लिंक तुम लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं रोस्टिंग करता हूँ और बहुत सारा कॉमेडी वीडियोज़ बनाता हूँ, तो भाई उसे ज़रूर से चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।